हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. इन द लास्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर वी हैव स्टडीड टू पेपर्स. फर्स्ट पेपर इज कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट पेपर. सेकंड पेपर इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री. नाउ इन दिस बीएससी सेकंड ईयर वी हैव स्टडीड थ्री पेपर्स. फर्स्ट पेपर इज नंबर थ्योरी एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस. सेकंड पेपर इज इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड थर्ड पेपर इज मैकेनिक्स. सो टुडे वी लर्न सेकंड पेपर, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. Now, first section means semester third, we have studied integral transform. So, first chapter is beta and gamma function. So, first we learned the definition of beta function and gamma function. So, first we see that beta function. इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेस टू एल माइनस 1 इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर एम माइनस 1 डीएक्स इज अ फंक्शन ऑफ एल कॉमा एम वेयर एल इज ग्रेटर देन 0 एंड एम इज ग्रेटर देन 0 एंड इज कॉल्ड एज ए बीटा फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाय बीटा फंक्शन ऑफ एल कॉमा एम. दस बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन ऑफ एल कॉमा एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेस टू एल माइनस 1 इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स रेस टू एम माइनस 1 डीएक्स. इट विल बी नोटेड दैट बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिकल फंक्शन इन L and M. That is, beta function of L M is equal to beta function of M X M L. For we have proved that beta function of L comma M is equal to, by definition of beta function, we write integration 0 to 1 x raised to L minus 1 into in bracket 1 minus x rest to m minus 1 dx is equal to integration from 0 to 1 in bracket 1 minus x rest to l minus 1 into in bracket 1 minus in small bracket 1 minus x bracket close this big bracket close also rest to m minus 1 dx is equal to where this 1 and 1 cancel to each other x raised to m minus 1 into 1 minus x raised to l minus 1. Therefore, beta function L of m is equal to, by definition of this is indicate b means beta of l into l comma m and L is true symmetrically L and L. Now we see that the second definition, gamma function. It is defined that the integral integration 0 to infinity e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx is a function of n. It is improper integral, that is n is less than 1. It is called as gamma function and is denoted by gamma function of n is equal to integration 0 to infinity e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx where n is greater than 0.
सम एग्जाम्पल सी है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज गामा फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स पुट 2 हियर एन माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1 एक्स रेस टू 1 देयरफॉर एक्स रेस टू 1 डी एक्स. सिमिलरली गामा फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स इन टू डी एक्स पुट हियर 1 n इज इक्वल टू 1 सो एक्स रेस टू 1 माइनस 1 मीन्स एक्स रेस टू 0 एक्स रेस टू 0 इज 1. नाउ थर्ड इज गामा फंक्शन ऑफ 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू एक्स इन टू एक्स रेस टू माइनस 1 अपॉन 2 डी एक्स.